जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों से शुरुआत। परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी ग्राउंड पर 21 युगलों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रों, शहनाई और बैंड बाजों की सुर लहरियों के बीच मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से आए जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इन नव युगलों ने 7 जन्मों के लिए 7 फेरे लिए, साथ ही सभी को स्वच्छता की शपथ भी दी। इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा दिलाई गई जायसवाल समाज आदर्श सामूहिक विवाह समारोह समिति और मध्य प्रदेश जायसवाल स्वर्गीय महासभा और कार्यक्रम संयोजक हुकुमचंद जायसवाल, अध्यक्ष मुकेश राय और राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने बताया कि जायसवाल समाज द्वारा आयोजित इस विवाह समारोह में 21 जोड़ों का विवाह अक्षय तृतीया पर संपन्न कराया गया। वहीं सुबह सभी वर वधुओं का चल समारोह परदेशीपुरा क्षेत्र में निकाला गया, जहां पर वर घोड़े पर सवार थे तो वहीं दुल्हनें बग्घियों में सवार थी, जिनमें बराती और घराती भी शामिल हुए। चल समारोह के बाद विद्वान पंडितों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 21 जोड़ों ने 7 जन्मों के लिए 7 फेरे लिए। वहीं फेरों के बाद मुख्य अतिथियों और समाज के पदाधिकारियों द्वारा सभी को स्वच्छता की शपथ भी इस दौरान दिलाई गई। सामूहिक विवाह समारोह समिति अध्यक्ष मुकेश राय ने बताया कि जायसवाल समाज द्वारा आयोजित विवाह समारोह पूर्णतः निशुल्क किया गया। समारोह में उन्हीं वर वधुओं का विवाह संपन्न कराया गया जिन्होंने कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खोया था। वहीं ऐसी वधुओं को समाज की ओर से गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिया गया। वहीं समारोह में 3,000 से अधिक समाज बंधुओं ने शिरकत की थी। मध्यम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए शादी करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। उनको एक जाजम पर बिठाकर और सामूहिक विवाह करना, उनके एक बहुत बड़े भार को कम करना, ये समाज के लोगों ने क्या है, हमारे दिनेश जी ने, अशोक जी ने, उत्तम जी ने, मुकेश जी ने, इन सब नारी शक्ति इनके साथ है। समाज के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका परिचय? संजय, मैं रेड्डी से हूँ, मध्य प्रदेश जायसवाल सर्वर्गीय महासभा आदर्श सामूहिक विवाह समिति। आप सभी नव दंपतियों का मेरा भोजन जुटाना जोड़ा एक बार हिस्सा लेना है। मुकेश राय जी, हुकुमचंद जी से निवेदन है, महासभा के द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह और आचार्यों की विदाई किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश महासभा निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। इससे क्या है, समाज की बचत होती है एवं गरीब परिवारों को मदद मिलती है। मध्य प्रदेश महासभा द्वारा कुछ ही दिन परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसके पश्चात फिर जोड़ों का परिचय सम्मेलन हुआ था, उनका आज 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह है। प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश महासभा इस तरह के आयोजन करती है, जिससे कि हमारे समाज के लोगों को इसका लाभ मिलता है। सुभाष जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल महासभा मध्य प्रदेश। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।